हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हो सब लोग। तो भाई शाम के 7 बज चुके हैं और आपका भाई आ चुका है आपसे मिलने एक और नया एपिसोड लेके। दिस इज एपिसोड नंबर 110। वैसे जो लोग मैच के दौरान ही इस वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, भाई थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। वैसे लेटेस्ट स्कोर क्या हुआ है और आपके प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं कमेंट्स करके जरूर से बताना। आज का अपना फर्स्ट अपडेट है प्रभास की मच अवेटेड मूवी सालार को लेकर, जहां कुछ दिन पहले इस मूवी से कुछ वीडियोस और इमेजेस लीक हो गए थे। अब जनता इस मूवी को लेकर कितनी एक्साइटेड है, कितना इंतजार कर रही है, ये आप जानते हैं। वो इमेजेस और वीडियोस काफी तेजी से वायरल भी होने लगे, जिसको देखकर मूवी के मेकर्स ऑब्वियसली गुस्से में आ ही जाएंगे। तो भाई मेकर्स ने कर दी साइबर पुलिस में कंप्लेंट। तो पहले तो इन लोगों ने वो इमेजेस और वीडियोस को इंटरनेट से डिलीट करवाया, फिर जिन लोगों ने ये वीडियोस और इमेजेस को लीक किया था उन्हें करवाया जेल के अंदर। तो लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग इस क्राइम में 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जहां उनसे अब पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं या फिर जिन लोगों को ऐसा काम करने में मजा आ रहा है, भाई थोड़ा सा समझ जाओ। कभी भी आपके पास ऐसी किसी भी मूवी की लीक फुटेजेस या फिर इमेजेस आते हैं तो उसको कभी भी शेयर ना करें और खास करके कहीं पर अपलोड ना करें, क्योंकि भाई अल्टीमेटली मेकर्स और एक बहुत बड़ी टीम डेडिकेशन के साथ दिन रात जनता के एंटरटेनमेंट के लिए ही मेहनत करती है, कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करती है। और जब ऐसे वीडियोस और इमेजेस लीक होती है तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अब आप खुद सोचो कि ऐसे लाखों लोगों का मजाक खराब करने वाले जीव जंतुओं का क्या करना चाहिए। बाहुबली को तलवार लेके दरबार में बुलाया जाए या फिर वार्निंग देके इनको छोड़ दिया जाए। वहीं सालार मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब कंपनीज फाइनलाइज हो चुकी है। हाँ, नॉर्थ साइड में इस मूवी को AA फिल्म्स वाले ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जिन्होंने पहले KGF और बाहुबली सीरीज को भी नॉर्थ रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया था। साथ ही याद है ना कि इसका ट्रेलर 1 दिसंबर को रिलीज होने वाला है, जिसकी टाइमिंग शाम 7:19 होने वाली है। तो भाई इसका रिव्यू देखने के लिए जस्टेक चैनल के ऊपर जरूर से आ जाना। वही अपना नेक्स्ट अपडेट है कांतारा 2 मूवी को लेकर, जहां इस मूवी की शूटिंग नेक्स्ट मंथ दिसंबर से मैंगलुरु में शुरू कर दी जाएगी। साथ ही ऐसा भी बोला जा रहा है कि इस बार इस प्रीक्वल की कहानी 300 AD और 400 AD के बीच में सेट होगी। ये वाला पार्ट पंजुरी देव की बैक स्टोरी पर होगा, जिन्हें फर्स्ट कांतारा मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो भाई इससे तो लग रहा है कि स्टोरी इस बार भी बहुत दमदार होने वाली है। तो देखते हैं कब इस मूवी को लेकर बड़े अपडेट सामने आते हैं। वहीं अपना नेक्स्ट अपडेट है कंगना रनौत और आर माधवन की अपकमिंग मूवी को लेकर, जहां ये लोग तनु वेड्स मनु रिटर्न्स मूवी के 8 साल बाद फिर एक बार एक कोलैबोरेशन मूवी लेकर आ रहे हैं। ये मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी होने वाली है। वहीं कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये खुद कंफर्म किया है कि इस मूवी की शूटिंग ऑलरेडी चेन्नई में स्टार्ट हो चुकी है, जिसे ट्राइडेंट आर्ट्स वाले प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके म्यूजिक को कंपोज करने वाले हैं GV प्रकाश कुमार। तो देखते हैं इस बार कंगना रनौत की ये वाली मूवी चल पाती है या फिर ऑडियंस इनकी बाकी मूवीज की तरह इस मूवी को भी पोपटलाल की लैंग्वेज में कहे तो कैंसल कर देती है। वैसे आपको क्या लगता है कंगना रनौत को कैसी मूवीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए कमेंट्स करके बताना। वहीं अपना नेक्स्ट अपडेट है अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल मूवी को लेकर, जिसकी कास्टिंग में इतने सारे एक्टर्स हो गए हैं ना भाई कि लोग इसको जिला घोषित करने में लगे हुए हैं। खैर जोक सपाट, तो इसको लेकर अपडेट ये है कि इस मूवी की शूटिंग नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये लोग अबू धाबी से शूट शुरू करने वाले हैं और उसके बाद जंगल वाले एरियाज में शूट किया जाएगा। वही इस मूवी का बजट 200-300 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। देखते हैं इतने बड़े बजट में ये लोग क्या बनाकर लाते हैं, और इसके लिए हमको ज्यादा वेट भी नहीं करना है क्योंकि ये मूवी अगले साल दिसंबर तक रिलीज भी हो जाएगी। अब देखो यार, जिस मूवी के अंदर अक्षय कुमार साक्षात हो उस मूवी के शूटिंग को पूरा होने में कहां ज्यादा टाइम लगता है। नहीं मतलब काम बहुत ही फास्ट और टाइम टू टाइम होता है। हाँ, वैसे आपकी क्या उम्मीद है इस मूवी को लेकर कमेंट्स करके बताना। वहीं अपना नेक्स्ट अपडेट है द रेलवे मैन नाम की एक वेब सीरीज को लेकर, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी पर बेस्ड है। तो भाई ये सीरीज नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हो चुकी है और आज इसका रिव्यू जस्टेक चैनल के ऊपर आ चुका है और भाई मजा आ गया यार। डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, प्रेजेंटेशन और खास करके एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस भाई कमाल के हैं। एक से एक तगड़े एक्टर को कास्ट किया गया है। अगर आपको ट्रेजेडिक सीरीज पसंद है तो भाई इस सीरीज को जरूर से देखना। वहीं अपना नेक्स्ट अपडेट है एनिमल मूवी को लेकर, तो आपने एनिमल मूवी के प्री टीजर में अर्जुन वैली सॉन्ग की ग्लिम्स तो सुनी ही होगी, जिसे सुनकर ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी इस सॉन्ग के लिए। तो फाइनली मूवी का ये वाला सॉन्ग भी अब रिलीज कर दिया गया है, जो कि काफी हार्ड है भाई। क्या इंटेंस म्यूजिक रखा गया है इस सॉन्ग के अंदर। देखो भाई ये तो कहना पड़ेगा कि मूवी के अंदर एक भी सॉन्ग ऐसा नहीं है जिसको स्किप किया जा सके। वहीं एक बात और नोटिस करने वाली है कि ये लोग मूवी की फुटेज और स्टोरी को काफी बचा बचा कर चल रहे हैं, ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा रिवील ना हो जाए, जो कि काफी अच्छी बात है।
और इसलिए ही इन्होंने इस अर्जन वेली सॉन्ग के अंदर भी वो पुरानी फुटेजेस को यूज किया है जिसको हम पहले देख चुके हैं। तो भाई साहब इस मूवी के साथ अभी तक तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है, ये लोग बहुत ही अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ सब कुछ धीरे धीरे रिवील कर रहे हैं। वैसे आपके इस मूवी को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है कमेंट्स करके जरूर से बताना। ओके देन आज की बातें यही तक रखते हैं, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना हमेशा की तरह। वैसे आप में से कितने लोगों ने मैच के दौरान इस वीडियो को देखा है कमेंट्स करके जरूर से बताना। तो चलो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और अब मैच के ऊपर फोकस करो, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। दिस इज जय, यू आर वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।